आइए चार मिसरे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले चार मिसरे में इकता आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी रजब भाई ने कहा वाकई हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया के दरख्त को अगर हम कलम बना लें, पूरी दुनिया के समंदर को अगर हम स्याही बना लें, तब भी हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद की एक मीम तक नहीं लिख सकते। जमजमों कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, जमजमों कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। क्या बात कर सकते हैं हम। आइए उसी पस मंजर में बहुत खूबसूरत सा मतलब आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। जहानागंज वालों आखिरी कलाम, इसके बाद हम दोनों भाई अपनी जगह लेंगे। पेश करता हूं यहां से मतलब, सुने। सबका खालिक है अल्लाह, है अल्लाह रहमत वाला है अल्लाह, माशाल्लाह। हमारे के गलियों में चौबारों में जहां जल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला।
रब से जिद की के मूसा ने रब से जिद की मुझको अपना चेहरा दिखा जब हक जलवा पार हुआ वो शोकरत मूसा का गया बोले तड़प कर ये मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह सब का मालिक है अल्लाह हाकिम राज़िक है अल्लाह रहमत वाला है अल्लाह बता दूं कि आप जहानागंज के भले रहने वाले हैं लेकिन इनकी रक से आपसे ज्यादा मैं वाकिफ हूं। हजरत मेरी एक आदत है अगर मेरे पीछे कोई मेहमान बैठा है तो मैं कतई कोशिश नहीं करता 5 से 10 मिनट पढ़ने की। यहाँ 5 से 10 मिनट की बात ही नहीं है। आपको पता है इनकी जगह पर मुझे भी पता है मगर असल में मामला ये है। अरे भाई बहस मत करो आप मत बोलो तो अच्छा है। चुप रहो। एक पंद पहुंचाने जा रहा हूं और बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि एक एक लाइन आप लोग आगे की दोहरा रहे हैं शमशेर भूल जा रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जहानागंज के दिल में मैं बसा हुआ हूं। अल्लाह सलामत रखे पूरा मन में बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेश करता हूं आखिरी बंद पर का उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। पेश करता हूं सुने कि जब नारे नमरूदी में इब्राहिम को डाला गया तड़प के खलीलुल्लाह नहीं आइंदा साल के लिए मुलतवी किया जा रहा है।